बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ आर ले सीरीज। अभी हम लोग, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हमें काफी ज्यादा वापस आना पड़ा था पहाड़ पे से, मतलब चढ़ना हम स्टार्ट ही हुए थे बट लेकिन प्लेन पे भी हमें काफी पीछे आना पड़ा था गाड़ी को वापस से सर्विस सेंटर ले जाने के लिए। अभी उन्होंने हमारे लिए काम करके दे तो दिया है एंड थैंकफुली इस बार महिंद्रा ने थोड़ा पहले के मुकाबले, तो हुआ क्या कि उन्होंने बेसिक्स अपनी ओर से सब क्लियर कर दिया है, जो बेसिक चीजें होती है क्लीनिंग एंड ऑल और प्लग एंड जो भी सब कुछ होता है वो सब उन्होंने कर दिया है। और वो भी उन्होंने बोला कि यार हमने अपनी ओर से कर दिया है, टेस्ट राइड भी ले लिया है, लेकिन वी आर नॉट श्योर 100% क्योंकि हम भी मैकेनिक है, भगवान नहीं है। तो वो ये भगवान का नाम लेके आप जाओ, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम जा रहे हैं, यहाँ से निकल चुके हैं दोबारा से, और उन्होंने बोला कि मंडी में भी हमारा सर्विस सेंटर है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब यार प्रॉब्लम क्या थी, हम आज यहाँ रुकने के लिए तैयार थे, हम माइंड से मतलब मजबूरी में प्रिपेयर्ड हो गए थे, लेकिन फिर हमें क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे होटल के पैसे फंसे हुए हैं, सब कुछ है, तो हम निकल गए हैं। अभी बच तो गए हैं 5:30 के आसपास, लेकिन लेट्स सी अब कितना पहुंच पाएंगे। हमारा ट्राई कर रहे हैं कि यार हम कुल्लू पहुंच के अपना स्टे कर लें, क्योंकि वरना पैसे वहां बर्बाद हो गए, गाड़ी में जो लगे वो तो चलो ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट है। अब आगे देखते हैं, जैसा भी होगा हम आपको ब्लॉग में आगे बता देंगे कि कहां पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है। और प्लस दूसरा रीजन ये भी था कि एक होटल के पैसे जाते तो भी कोई बात नहीं थी, हम आज रात रुक जाते, कल सुबह चले जाते, बट हमारे जो आगे वाले होटल्स है ना, उन सबकी बुकिंग, हाँ उन सबकी जीरो जो फ्री कैंसिलेशन बुकिंग होती है वो सब चली गई है। अब अगर कुछ भी हम कैंसिल करेंगे तो हमारा एक भी रुपया वापस नहीं आएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि अब अगर ठीक हो गई है तो एक बारी और हिम्मत जुटा के चलते हैं और देखते हैं, अगर भगवान ने साथ दिया तो सही से हम पहुंच जाएंगे और ट्रिप हमारी अच्छे से हो जाएगी। भगवान ने तो भी बचाया हमें, क्योंकि अगर वहां पे बंद ही हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी आधे घंटे हो, तो भैया कैसे ना कैसे करके उन्होंने स्टार्ट करवा दी और हम धीरे धीरे ऐसे रेंगाते हुए, मतलब काफी सही डाउनहिल पे कोई दिक्कत नहीं आई, अपहिल पे दिक्कत आ रही थी, तो हम लाके हमने ले आए सर्विस सेंटर। लेकिन हाँ, हमारे अराउंड आप सोचो हम 11:20 पे यहाँ से निकले थे जिस जगह से अभी निकल रहे हैं, और अभी 5:30 हो गए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना टाइम हमारा, और हमारा मूड तो ऑलरेडी खराब है। अभी भी हम डर डर के जा रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, पहुंच तो हम जरूर से जाएंगे, बट अब यही है कि कोशिश करते हैं, होप करते हैं कि अब सब कुछ आगे सही रहे, जो था जो थोड़ा बहुत नुकसान होना था वो हो गया है, कोई बात नहीं, बट अगर सब आगे अच्छे हो जाएगा तो हमें फिर इस चीज का दुख जो है वो खत्म हो जाएगा। है ना, एक रिक्वेस्ट है, आपके नोन हो अननोन हो, कोई भी हो, आपके फ्रेंड हो, कलीग हो, आपके फैमिली में हो, रिलेटिव हो, आप लोग है ना अच्छा सोचो उनके बारे में। जैसे मेरे अपने नोन में मैं बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे बोल देते हैं कुछ भी कि यार कि अच्छा मैं बोल रहा हूँ गुड न्यूज है तो बोल देते हैं कि क्या कैंसिल हो गया क्या ट्रिप तेरा, तो ये सब चीजें कई बार है ना मुंह पे सरस्वती सवार होती है, सही में पॉसिबल हो जाती है और अल्टीमेटली बंदे को सफर करना पड़ता है। अब देखो हर चीज की कॉस्ट होती है, लेकिन वो कॉस्ट हमारे पास है नहीं, हम उतना नहीं है कि हम इतने ज्यादा है कि यार ये पैसा फेंका, थार खरीद लिए, पैसा फेंका, वो चल दिए, इसको जमा कर दिया, तो हम लोगों के लिए स्ट्रगल बन जाता है। एडवेंचर पसंद है लेकिन ऐसा वाला पसंद नहीं है, तो इसलिए अगर कोई आपके नोन है तो उनके लिए बस ठीक है यार, आप अच्छी चीजें एंजॉय करो, टेक गुड वाइब्स ओनली, बस और क्या है, टेक गुड वाइब्स एंड गुड गिव गुड वाइब्स, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया कि बस खैर जो भी होता है आपको दिखाते हैं, पहाड़ हल्के हल्के आने शुरू हो चुके हैं, दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं हमारी, हम दोनों की हिम्मत एक पॉइंट पाकर टूट गई थी, मतलब मैं तो रोने भी लगी थी, पर इसने अपने आपको संभाल के रखा, अगर दोनों रोने लगते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते, पर फिर भी चलिए ठीक है, देखते हैं भगवान का नाम लेके। मैंने तो फ्लाइट भी देख लिया था, मुझे ये था कि जाऊंगी तो मैं जरूर, चाहे कैसे भी जाना पड़े, फ्लाइट लेनी पड़े, मैं वापस दिल्ली जाऊंगी, वहां से फ्लाइट लूंगी। कंटिन्यू दिस ट्रिप, अभी कुछ नहीं बताया हमें भी खुद भी, हाँ। क्योंकि उन्होंने बेसिक टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं, अभी हम टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं, इट मे बिकम अ कंप्लीट ले सीरीज, यस, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फिर से पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, बस यार एक फायदा हो गया आप लोगों के लिए कि अब है ना नजारे बहुत धांसू मिलेंगे, क्योंकि जब आप इवनिंग में निकलते हो ना तो इवनिंग पे सारी धूप वूप ये सब है ना हट जाती है और पहाड़ों की सुंदरता और निकल के आती है। बस प्रे करो कि अब ये कंटिन्यू रहे वीडियो और ऐसी पॉजिटिवली चले और आपको नजारे सुंदर सुंदर देखने को मिले। सो गाइस अभी हम थोड़ा ही ऊपर आए थे 15-20 किलोमीटर और फिर से वही दिक्कत आने लगी है जो पहले आ रही थी, तो अब हम फिर से वापस जा रहे हैं। खराब हो गया पूरा ट्रिप। ये हमारी खूबसूरत वादियां। सो
सो गाइज अभी हमें कहीं से पता चला है कि अगर हो सकता है ये एक लोकल मैकेनिक की शॉप है तो यहाँ पे हमें मिल सकता है अगर पार्ट, इन केस अगर है तो। वैसे तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है, बट अभी वो लोग चेक कर रहे हैं। तो अब ये हमारा लास्ट चांस है रोड ट्रिप का, मतलब गाड़ी से जाने का। अगर नहीं हो पाता है तो देखते हैं कि फिर अब आगे क्या करना है, ट्रिप हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तुषार बहुत परेशान है और अब लगे पड़े हैं ये भी कि देखो किस तरीके से जुगाड़ हो जाए। जैसा भी होता है हम आपको बताते हैं आगे वीडियो में। सो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ पे जग्गी सिटी सेंटर। यहाँ पे एक थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, कॉफी वॉफी लेंगे क्योंकि नींद सी आ रही है थोड़ी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो गाइज अभी के लिए तो ट्रिप कैंसिल हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर दिल्ली वापस, उसके बाद जाके देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कुछ, लेकिन वो माइंड में फिट नहीं हो पा रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि वो हमें करना है नहीं करना है, लेकिन अभी के लिए कैंसिल हो गई है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब हम आए यहाँ पे जग्गी पे, जग्गी पे ये तो यार पूरी दूसरा है, कैसा लग रहा है, मेला वेला लगता है ना घर के पास, पहले लगते थे वैसा है कुछ माहौल। तो थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी लेंगे क्योंकि अभी बज गए हैं रात के 9:30, तो अपने को पहुंचना है घर 1:30-2:30 पहुंचेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा। सो गाइस अभी हम जग्गी पे आए थे, इसको कुछ प्रॉपर खाना नहीं खाना था, लाइट खाना था, तो हमने सोचा सबवे से सैंडविच उठा लेते हैं। तो हमने अपना अपना ऑर्डर कर दिया है, ये यहाँ बैठे हैं मुँह लटका के। मैं कितना इसका मुँह ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वही है जिसने इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई होती है ना, और एंड मोमेंट पे ऐसे सब कुछ होने लगता है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। खैर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या ऑर्डर किया है। मैंने अपने लिए किया है आलू पैटी और ये खाएगा हरा भरा कबाब, बट ये खा नहीं रहा है, खा लो। तो अब हम पहले यहाँ पे अपना ये खाना फिनिश करेंगे, हमने कॉफ़ी ऑलरेडी पी ली है दोनों ने। तो जैसे ही हमारा खाना फिनिश होता है थोड़ी नींद हमारी खुलती है, उसके बाद हम वापस घर की तरफ जाएंगे और फिर डिसाइड करके जो भी जैसा भी होता है वो हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। रात को हम रुक गए थे रास्ते में ही, एक अच्छा सा हमने आउटलेट देखा था वहीं पे हम रुक गए। हमने नींद पूरी करी पहले 2 घंटे एक जगह की, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर नींद आ रही थी, फिर हम दोबारा से 2 घंटे सो गए एक जगह और रोक के, क्योंकि हमारे बस की नहीं हो रहा था यार। मेंटली हम लोग हार चुके थे और फिजिकली तो हार चुके ही चुके थे, और गाड़ी से भी हार चुके थे, इस वजह से हमें रुकना पड़ गया था। अभी हम दिल्ली पहुंच गए हैं। अब क्या है कि हमने सोचा था एक ऑल्टरनेट की फ्लाइट देखेंगे, आयुषी ने देखा था कि उसको फ्लाइट दिख रही थी, लेकिन अभी हमने देखा है कि रिटर्न फ्लाइट बहुत महंगी हो रही है। इतने में तो आप सिंगापुर और एक से एक मतलब अच्छी जगह पे घूम के आ सकते हो, उतनी कॉस्ट पड़ रही है, उसके प्लस में आपको श्रीनगर में 12 आवर्स का ले ओवर लेना पड़ेगा, तो यार वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम वो फ्लाइट के थ्रू भी नहीं जा पा रहे हैं और ये ट्रिप अब कैंसिल हो गया है और इसके आगे नहीं बचा है कुछ। तो गाइस इस वीडियो को कर देते हैं एंड, अब पता नहीं कब दोबारा से ज़िंदगी में जा पाएंगे लेह लद्दाख, जाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।